दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि YouTube कस्टमाइज कैसे करते हैं। हाय नमस्कार दोस्त, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं नीतीश टेक ग्राफिक। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि YouTube में कस्टमाइज कैसे करते हैं या लिंक वगैरह कैसे सेट करते हैं। तो आज चलिए आज इसी में हम कुछ सेटिंग करते हैं। तो अपना यूट्यूब अपना चैनल पर चल जाना है। अपना चैनल पर आने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज पर जाना है। कस्टमाइज पर जाएंगे। कस्टमाइज पे जाने के बाद अगर आपका फेसबुक ट्विटर ये सब का लिंक अगर डालना है तो पहले तो अबाउट में जाएंगे, अबाउट में सेटिंग करना है। तो यहाँ पर ये सब यहीं पर होगा। तो यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह डलाता है, तो जो ऑलरेडी मेरा पहले से डाला हुआ है। तो यहाँ पर हम अपना एक ईमेल आईडी पहले डाल लेते हैं। यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है @gmail.com। ओके इसको डन कर दीजिए। ये यहाँ पर ईमेल आईडी आपका हो गया। यहाँ पर आपका लोकेशन है। आप यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिंक जितना लिंक चाहे उतना लिंक ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम दो को ही ऐड करेंगे, मेरे पास दो ही है। तो है तो और भी, मगर फिलहाल अभी हम दो को ही ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए तो पहले फेसबुक ले लेते हैं। फेसबुक यहाँ पर कर लिया। फेसबुक का URL यहाँ से हम यहाँ पर डालेंगे। तो फेसबुक का URL हम ले आते हैं। तो हम फेसबुक खोल लेंगे। फेसबुक पेज पे आ जाना है। यहाँ से URL आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से हम URL कॉपी कर लिए हैं। इसको यहाँ पर ले जा करके पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट ले लेगा। तो यहाँ पर से भी पेस्ट कर सकते हैं। मेरा पहले का यहाँ भी रखा हुआ है, तो यहाँ से भी अगर चाहें तो हम यहाँ से भी फेसबुक का लिंक ले सकते हैं। तो यहाँ पर ला करके कॉपी कर दिए। उसके बाद यहाँ पर फिर ऐड करेंगे। फिर यहाँ पर ट्विटर का है, तो ट्विटर का यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। ट्विटर का यहाँ पर ला कर रखे हुए हैं, तो इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर ला करके फिर यहाँ पर URL पेस्ट करेंगे। तो हो गया। तो पेस्ट होने के बाद उसके बाद इसको हम यहाँ पर डन कर देंगे। अगर और अगर आप में है तो यहाँ पर नंबर बढ़ा करके आप यहाँ पर से 5 अकाउंट आप इसमें डाल सकते हैं आराम से। तो हम फिलहाल दो को ही डालते हैं, फेसबुक और ट्विटर। तब हम इसको डन कर लेंगे। तो डन करने के बाद कुछ देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो हम एक नया खोल करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, योर चैनल पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके का दिखा रहा है कि आप यहां पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट होम पेज पे उसका पहुंच जाइएगा। जैसे फेसबुक का है तो फेसबुक पर हम यहां पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा। और फिर इसका ट्विटर पर करके हम अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहां खुल जाएगा। नहीं तो कीबोर्ड से कंट्रोल दाब करके फेसबुक पर क्लिक करिएगा तो नया टैब खुल जाएगा। अगर ट्विटर पर क्लिक करिएगा तो नया टैब खुल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए डबल डबल सब खुला हुआ है। जैसे ट्विटर का मेरा खुला हुआ है, टू का डबल खुल गया, जो कि हम दो बार खोलें तो इस तरीके से खुल जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके का दिखा देगा। अब हम फिर चलते हैं स्टूडियो में। तो यहाँ पर आने के बाद तो ये देखिए दोनों यहाँ पर दिख रहा। तो अब हम थोड़ा और भी कुछ सेटिंग देख लेते हैं। अगर यहाँ पर से अगर आप इसका होम पेज अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास अभी तो यही हम नया अभी अपलोड किया है, तो इसको हमको फिलहाल कुछ करने का ज़रूरत है नहीं। मगर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जा करके ये पेन वाला जो चिन्ह है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला पे जाना है, एडिट चैनल आर्ट पे। उसके बाद यहाँ पर जाना है। यहाँ से आपका जो भी ये थी है लोकेशन है वहाँ पर से आप इसको चूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ला करके और सेट कर सकते हैं। अगर अपलोड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर सेट का ऑप्शन देगा, सेट कर लीजिएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर प्रोफाइल का फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर से यही पेन पर क्लिक करना है। उसको एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नया टैब खुल जाता है।
फिर वहाँ से जा करके आप अपना जीमेल का जो अकाउंट है उसका आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जितना भी आपका सब्सक्राइबर है वो रहेगा, यहाँ पर आपका जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है तो प्लेलिस्ट में जितना भी प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट रहेगा, यहाँ पर आपका खुद का वीडियो रहेगा जितना वीडियो है, तो इसमें कुछ इस तरीका का वीडियो है तो ये है, यह आपका होम रहेगा तो होम कुछ इस तरीका का, अगर होम का भी अगर ये सब प्लेलिस्ट वगैरह अगर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड करके आप कर सकते हैं। तो हमें ये सब कुछ करने का ज़रूरत है नहीं क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से सब सेटिंग किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूट्यूब का सेटिंग प्रॉपर, उसमें हम निकालेंगे कि सेटिंग किस तरीके से किया जाता है। ये वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ही अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।